solving one puzzle every day, we have come this far in the journey of 501 puzzles. And in the process, we have developed many mental abilities. We will continue to do so. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक ज्योमेट्रिकल फिगर। करना क्या है? ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना है और गिनना है और बताना है कि इस फिगर में आप कितने ट्रायंगल देख रहे हैं। ट्रायंगल अलग अलग साइज के हो सकते हैं। इस तरह की पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिक डाइमेंशंस डिसाइड करते हैं। उन बेसिक डाइमेंशंस का सहारा लेकर के हम ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और गिनेंगे। इस तरह की बहुत सारी पजल्स पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को रोकें, इस पजल को अपने से सॉल्व करें, क्योंकि इसके पहले जस्ट पहले जो पजल हमने सॉल्व की बिल्कुल इसी तरह की थी। डिफरेंस था सिर्फ साइज में। आई एम श्योर आपने वीडियो रोका और पजल को सॉल्व किया, आंसर निकाला। अब चलिए देखते हैं जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बेसिक डायमेंशन डिसाइड करें। बेसिक डायमेंशन हम ले लेते हैं यहां पर 4m into 4m का ओवरऑल स्क्वायर, और 4m into 4m स्क्वायर के डायगनल है 4y। नेचुरली सबसे छोटा स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वह है m into m का, और उसका डायगनल है y। m और y को आधार मान करके हम ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और गिनते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, क्योंकि पिछली पजल और इस पजल में एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस है नहीं। सबसे पहले m into y 16, 2m into 2m into 2y 12, 3m into 3m into 3y 8, 4m into 4m into 4y 4, 2m into y into y 4, and finally 4m into 2y into 2y 4, total 48. I am sure मेरा उत्तर और आपका उत्तर टैली हुआ होगा। यदि हो गया तो साइज वाइज टैली करिए। हो सकता है मैंने गलती की हो, हो सकता है आपने गलती की हो। साइज वाइज टैली करना जरूरी है। जो स्किल हम बढ़ाना चाहते हैं साइज वाइज टैली से ही बढ़ेगी। एक बात मैं यहां पर रिपीट करूं जो बीच बीच में मैं करता हूं, आंसर टैली होना जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मेथड या प्रोसेस टैली होना है। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ विजुअल एबिलिटी का भी विकास होगा। इसी तरह से अलग अलग कुशलताओं का विकास करते करते 501 पजल की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में अवश्य मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।